हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ब्यूटीफुल सी पफ स्लीव बनाकर दिखाऊंगी जो कफ के साथ बन के आएगी। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रखा हुआ है। ये मेरी बची हुई कुर्ती का फैब्रिक है, जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो सबसे पहले मुझे इसमें लेंथ चाहिए। तो लेंथ मैं 23 इंच रखूँगी। 23 इंच में से हम 3 इंच माइनस करेंगे क्योंकि मुझे इसके अंदर कफ अटैच करनी है। इसके लिए तो मैं 19 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी। आपकी जो लेंथ है, लेंथ में आपको एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमें इसमें पफ क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ से हम बॉटम का हाफ लेंगे, तो मैं 4 इंच ले रही हूँ और इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो देखिए, इस तरीके से हो गया। यहाँ से हम डाउन करेंगे 3 इंच पे। अब देखिए, यहाँ से मैंने किया, यहाँ से हम लेंगे आर्म होल के लिए 7 इंचेस और 1 इंच में मैं मार्जिन ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमें निशान ले लेना है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली स्लीव की मार्किंग करते हैं, यहाँ से 3 इंच लिया और हमें इस तरीके से शेप देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ से शेप दिया। यहाँ से हम अंदर की गुलाई का भी शेप दे देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने शेप दे दिया। अब जो ये ऊपर साइड पर देखिए, मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा ले रखा है, तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था फैब्रिक पर। 3 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है और 4 इंच हमारी लेंथ है, तो इसका हमें हाफ करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने हाफ किया। हाफ पे हमें इस तरीके से शेप देना है। इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है कुछ पार्ट, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ से हम इसमें गुलाई का शेप देंगे और जो हमने इसका मिड निकालना है, फिर ऊपर हम इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए, इस तरीके से हमें ये बाहर की गुलाई का हमने शेप दिया। यहाँ से हम इस शेप को थोड़ा सा इस तरीके से निशान लगा लेंगे और अंदर की गुलाई का शेप मैंने दे रखा है। अब पफ स्लीव, आप चाहे तो उस पफ स्लीव में आप जो अंदर की गहराई का शेप होता है वो नहीं भी दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हो गया। अब हमें इस साइड की जो है निशान लगाकर मिला लेंगे। तो देखिए, मैंने मेजरिंग टेप से इसको रखा है। हमें एकदम सीधा लाइन इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। मैं आपको ये अभी रफली बता रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हमने किया। यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर साइड को लेंगे और ये निशान को हम यहाँ से मिला देंगे। तो देखिए, इधर साइड से भी हमें सेम ऐसा ही यहाँ पर निशान को मिला देना है। ये देखिए, मैंने निशान मिला लिया। अब मैंने इसमें, देखिए, अब हमें इसकी जो है कटिंग करनी है। तो कटिंग करने से पहले जितने भी आउटर मार्क हैं, पहले हमें उसकी कटिंग करनी है, फिर जो अंदर की गहराई का जो हमने शेप दिया है वो हम बाद में कट करेंगे। तो मैं एक और बार आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको लेंथ लेनी है। लेंथ में आपको 4 इंच प्लस करना है हमें, जो हमें उसमें ऊपर साइड पर पफ क्रिएट करनी है उसके लिए। अगर आप नीचे साइड पे बॉर्डरी अटैच कर रहे हो तो उसमें आप माइनस कर दीजिएगा लेंथ में से। बाकी जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो आपको रखनी है। तो देखिए, इस तरीके से हो गया। मैंने कटिंग कर ली यहाँ से। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद अब ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव की कटिंग कर ली है। अब मैं इस पीस को खोल कर दिखा देती हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से सारे पिन्स को हमने इस तरीके से निकाला। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें देखिए जो अंदर की गहराई का शेप दिया था मैंने, मैं आपको एक मैं कट करके दिखा देती हूँ क्योंकि जो हम इसमें ऊपर साइड पे पफ क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको इजी भी पड़ेगा। तो देखिए, हमने अंदर की गहराई का शेप इस तरीके से कट कर लिया। यहाँ से भी मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, अब जो ये मैंने कट लगाया है, आपको वहाँ से ले कर जो पूरा, मतलब ये जो हमने 4 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसके ऊपर आपको नॉर्मली जो है प्लीट्स लगानी है। पूरे पे आपको प्लीट्स लगानी है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे हमने पहले मिड में कट लगाया। कट लगाने के बाद आप ये देख सकते हो, अब हमें इसमें प्लीट्स बनानी है। जो प्लीट्स की डायरेक्शन रहेगी, जो इसका मिड पॉइंट है, दोनों का फेस आमने सामने रहेगा। तो ये अब मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कट लगाया था। तो इतने साइड में हमें पूरी पे प्लीट्स डालनी है। तो देखिए, यहाँ से हम प्लीट्स लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। इसको हम पिनअप, आप चाहे तो पिनअप भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, यहाँ से हमें छोटे छोटे प्लीट्स बनाने लेने हैं। आप चाहे तो पूरे राउंड पे भी बना सकते हैं या फिर आपको जितना भी रखना हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैंने ये पूरे पे जो हमने 4 इंच का जो हमने लिया था, हमने जो मैंने कट लगा के दिखाया आपको, उसको मैं अपने पूरे स्लीव पे रख के इस तरीके से प्लीट्स बनाऊँगी जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रखा था। तो देखिए, इधर साइड की जो डायरेक्शन रहेगी वो मतलब दोनों का जो फेस रहेगा वो आमने सामने रखना है, जो हमने इसका मिड पॉइंट था उसके साइड पे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लीट्स लगाए। यहाँ पे भी हमें ये पूरी प्लीट्स को लगाकर रेडी कर लेना है।
और ये जितना भी जहाँ तक निशान लगाया था, जहाँ पे कट लगाया है, ये पूरी जो प्लीट्स हैं उसमें बन के आएगी। और ये जो नीचे का बॉर्डर आप देख रहे हो, यहाँ पे मुझे इसमें कफ अटैच करनी है। तो देखिए मैंने फैब्रिक ले रखा है इस तरीके से, ये मेरी कुर्ती का बचा हुआ पीस था, तो इसको देखिए मैंने इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड कर लूँगी और अगर आप चाहें तो इसके अंदर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन पेस्टिंग इसमें नज़र आएगी इसलिए मैं पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए कफ बनाने के लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है, इसके जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने 6 इंच रखी है, और जो इसकी वेड्थ रहेगी वो अपने आप जो स्लीव का बॉटम है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने स्लीव को रखा, स्लीव के बॉटम के ऊपर रख के हमें इसे सीधे साइड पर रखना है। हमें जो स्लीव पे बॉर्डर लगानी है ये वाली, इसको हम सीधे साइड पर रखेंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर नॉर्मली अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। इसको मैं पहले यहाँ पे रख के पिनअप कर लूँगी, पिनअप करने के बाद आप ये सिलाई इसके ऊपर आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे पिनअप करके रखा है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। अब मैं इसके ऊपर आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ, बहुत ईजी तरीके से इसमें सिलाई लग जाती है, आप ये देख सकते हो। देखिए इस तरीके से यहाँ हमने लास्ट तक पे सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे क्या करना है, इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो फैब्रिक है वो हमें अंदर साइड को रख लेना है, और यहाँ पे हमें टॉप सीम लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से टॉप सीम लगा दी मैंने, तो इस तरीके से ये हो गया है। अब हमें जो है यहाँ पे इस तरीके से स्लीव को फोल्ड करेंगे। अब हमें इसकी फिटिंग देनी है, तो देखिए इस तरीके से रखा, हमें स्लीव का बॉटम देखना है कितना है। तो स्लीव का जितना भी बॉटम था आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरा 4 इंच था तो 4 इंच पर रखा मैंने, और निशान लगाया 1.5 इंच का, इसमें हमने मार्जिन ले ही रखा था, और इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई कर लेनी है। तो उसके पहले सबसे पहले जो यहाँ से मैं पफ लगाऊंगी, तो पफ बनाने के लिए देखिए मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया ताकि आपको ये समझ में आए। यहाँ से हम इसमें प्लीट्स लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे साइड तक लेकर जाएंगे। देखिए इसमें मैं आपको सीधे मशीन से लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें छोटी छोटी इसमें प्लीट्स बना लेनी है, बहुत ईजी तरीके से ये बन जाती है, और जब ये बन जाती है तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। देखिए इस तरीके से हमें ये पूरे को यहाँ तक मैंने मिड तक लगाया। अब इसकी हमें जो है डायरेक्शन चेंज करनी है। देखिए इसका फेस हमने चेंज कर दिया, अब हमें सारी की सारी प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने रखनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से हमें ये पूरे पे पफ लग बना क्रिएट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है, यहाँ तक मैंने लगा दी सिलाई, लगा दी है मैंने, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पफ बन के आएगा। दोनों स्लीव को दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए दोनों स्लीव पे मैंने पफ बना लिया है, और नीचे साइड पे आप देख सकते हैं कफ भी अटैच कर लिए मैंने। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। तो आप इस स्लीव को ज़रूर बनाइएगा, तो मैं आपको अपनी कुर्ती में बना लगा कर दिखाऊंगी। मैंने ये कुर्ती की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये मैंने नेट फैब्रिक से बनाई थी लाइनिंग के साथ। तो देखिए हमने कुर्ती को है उल्टा रखा है, और हमारे स्लीव जो है सीधे साइड पर है। इसको हम अंदर लेके जाएंगे। जो राउंड में स्लीव लगाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लगा सकते हैं राउंड में स्लीव को। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पूरे को अच्छे से एडजस्ट करा, आप देख सकते हैं कितने बराबर से है। अब हमें इसके ऊपर साइड पे पिनअप कर लेना है, जो हमारा मिड पॉइंट था वहाँ पे रख के हमें इसे पिनअप कर लेंगे, ताकि जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो इधर उधर नहीं खिसके। तो इसलिए हमने यहाँ पर पिनअप किया, और नीचे साइड पर से हमें पकड़ के इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से रखेंगे फैब्रिक पे, 1/2 इंच का गैप देते हुए हमें इसकी गुलाई में सिलाई कर लेनी है। मैंने ये शटल बॉक्स को निकाल दिया था। तो इस तरीके से आप स्लीव को बहुत इजी तरीके से अटैच कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी इजी तरीके से इसमें अटैच हो रही है। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अटैच होने के बाद अब हमें इसे सीधा कर लेना है फैब्रिक को। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सीधा कर लिया है। यहाँ से देखिए सिलाई से सिलाई मिल रही है, आप देख सकते हैं, और ऊपर साइड पे ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल सा इसमें प्लीट्स बन के आई हैं। अब इसका लुक जो बहुत अच्छा सा ये बॉन्सी टाइप लगता है, अब जब आप पहनोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये थोड़ी सी काउल लुक का भी देता है ये जो स्लीव है हमारी। इस स्लीव को कुर्ती में, ब्लाउज़ में, शर्ट में बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। और इसके जो नीचे साइड पर मैंने कफ अटैच किया है आप वो भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ब्यूटीफुल सी पफ स्लीव बनाकर रेडी कर ली है। ये फुल हैंड की स्लीव है ये। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।